आज शाम की सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे हरियाणा के अंदर हो रहे विधानसभा चुनाव, लेकिन पंजाब में ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने दे दिया है इस्तीफा। बताएंगे बीजेपी का बड़ा विकेट गिरा है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम के दफ्तर में की गई है तोड़फोड़। बताएंगे कौन से मामले को लेकर यह पूरी अपडेट है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में जाने वाले नेताओं का किया गया घोर अपमान। एक एक करके चलेंगे बिग बिग न्यूज अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की सारे राज्यों के अंदर इस बार परिवर्तन होने वाला और हरियाणा के अंदर बदलाव पत्थर लिखी लकीर की तरह है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बदले का हरियाणा बदले का देश जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले लगातार चुनाव प्रचार प्रसार जारी है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी की ओर से भी जोरदार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐसे में पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी के अनुसार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी से टाटा अलविदा बाय बाय कह दिया। दोस्तों मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के दिनों में जाखड़ ने कार्यकारिणी की जरूरी बैठकों से भी दूरी बना ली थी। इस्तीफा देने को लेकर सुनील जाखड़ की ओर से मीडिया के रिपोर्ट का कोई खंडन नहीं किया जा रहा है, लेकिन भाजपा के नेता कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जबकि ऑफिशियल तौर पर सुनील जाखड़ की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। तो इसका साफ मतलब यह है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। यही बड़ा कारण है हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक और बैकफुट पर है, तो आप पंजाब के अंदर भी बड़े नेता ने इस्तीफा देने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में स्थिति को और ज्यादा डामाडोल कर दिया है दोस्तों। क्या आप भी मानते हैं कि पंजाब का यह इस्तीफा बीजेपी को हरियाणा में और बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है? लोगों के बीच मैसेज क्लियर है कि भाजपा से लोग नाराज है और बीजेपी के बड़े नेता भी उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। चलते हैं एक और बिग बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुंबई स्थित दफ्तर पर तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक महिला उनके ऑफिस में घुसकर जमकर उत्पात मचाने लगी। दोस्तों महिला की पहचान का पता नहीं लग सका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिला सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए सचिवालय के गेट से मंत्रालय में घुस गई। इसके बाद दफ्तर के बाहर लगी नेम प्लेट को तोड़ दिया गया, जमकर नारेबाजी की गई है। कार्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी में यह पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है दोस्तों। इस वीडियो में नेवी ब्लू शर्ट और काली जींस पहनी एक महिला हाथ में सिल्वर रंग का बैग लेकर नजर आ रही है। वो मंत्रालय में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री दफ्तर के दरवाजे पर लगी नेम प्लेट को तोड़ रही है। यह घटना जब सामने आई है तो उसके बाद देखा जा सकता है कि महिला जोर जोर से चिल्ला भी रही है और उसे रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है और महिला को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी रखी गई है। दोस्तों आपका क्या मानना है लिखकर जो बताएगा, क्यों महिला ने ऐसा किया होगा? क्या भाजपा के विरोध में इतना ज्यादा लोगों में गुस्सा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ की जा रही है? साथ साथ कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए पार्षदों का शुद्धिकरण किया गया है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे कांग्रेसी पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि ये जितने भी पार्षद कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं उन सबका शुद्धिकरण के नाम पर उनके ऊपर गौमूत्र छिड़का गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य की ओर से पार्षदों को बीजेपी में शामिल करवाते वक्त गंगाजल से शुद्धिकरण किया गया, ये तो फिर भी सही था दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से गौमूत्र का छिड़काव किया गया है इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एक तरीके से मजाक उड़ाने वाली बात है। अगर आप भी मानते हैं कि अंधभक्ति में अब कांग्रेस के ये भी पार्षद लिप्त हो जाएंगे जो भाजपा में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि जाते ही इनको गौमूत्र छिड़क कर शुद्धिकरण के नाम पर इनका अपमान किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जो लोग सोच विचार करने वाले लोग हैं वो ऐसे किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका विरोध करते हुए भाजपा से इस्तीफा देकर वापस कांग्रेस पार्टी में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में जाने वाले इन पार्षदों के पास अब शायद प्रतिष्ठा बची ही नहीं है जो इस तरीके की हरकत के बावजूद अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 13 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। नरेश धनके को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है जो गुहला से मैदान में उतरे हुए हैं। श्री प्रदीप गिल जो जिंद से चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। सज्जन सिंह ढुल को पुंडरी से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस पार्टी ने सजा सुनाई है। सुनीता भट्टन को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने 16 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की कई सीटों पर दो दो उम्मीदवार निर्दलीय तौर पर मैदान में लड़ रहे हैं जो बागी नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। इसमें नीलो खेरी के साथ साथ बुंदेली की सीट है। बाकी टोटल 90 में से लगभग 80 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी का मात्र एक कैंडिडेट मैदान में उतरा हुआ है, कोई बागी नहीं है। जबकि 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का बागी व्यक्ति भी मैदान में उतरा हुआ है, जिससे पार्टी मना रही है। अगर नहीं मान रहे तो अब कार्रवाई की गई है, सबको सस्पेंड किया गया। अगर आप भी मानते हैं कि सबसे कम बागी कांग्रेस पार्टी के है और यही पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है, और उसमें भी जो लोग नहीं मान रहे उनको कांग्रेस पार्टी ने अपने से अलग करने का फैसला लिया है और प्रचार करना शुरू कर दिया गया है कि उनका कांग्रेस पार्टी से कोई लिंक नहीं है, इससे एक अच्छा मैसेज भेजा गया है, तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंदर सिंह मिक्की ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है दोस्तों। उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जम्मू के बड़े नेता मौजूद थे राज्य के अंदर। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी एनसी की सरकार बनने जा रही है तो कई और बड़ी ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट में पड़ने वाले रेवाड़ी जिले के 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी में बगावत से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की
काफी टेंशन है बढ़ती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि शुक्रवार को रेवाड़ी रैली में एक मंच से जिक्र करते हुए अमित शाह कहते हैं कि कुछ लोग पार्टी का अनुशासन तोड़कर निर्दलीय खड़े हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जिसके पास कमल का फूल है उन्हें ही वोट करें, बाकी किसी को वोट करने की कोई जरूरत नहीं है। शाह की ओर से किए गए इस ऐलान के बाद ऐसा लग रहा है कि भाजपा के बागियों से सबसे ज्यादा समस्या भाजपा को हो गई है और उनके वोट कहीं ना कहीं कट रहे हैं और इसीलिए शायद अमित शाह से यह बयान दिलवाया जा रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या बागी नेता भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे? जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पल पल की अपडेट पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अब शंकराचार्य को भी अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार के डबल इंजन के बावजूद अरुणाचल प्रदेश में जगत गुरु शंकराचार्य जो ज्योतिर्मठ से जुड़े हुए हैं उनको एंट्री नहीं दी गई, उनको रोक दिया गया। और अगर किसी कांग्रेस पार्टी शासित राज्य के अंदर ऐसा किया गया होता तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से और कहीं ना कहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी बता दिया गया होता। लेकिन अब डबल इंजन की भाजपा सरकार अरुणाचल प्रदेश में चल रही है लेकिन शंकराचार्य को जाने की इजाजत नहीं मिली है दोस्तों। गौ रक्षा यात्रा वो निकालना चाह रहे थे। आपकी क्या राय है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल वोट के लिए हिंदू की बातें करते हैं और कहीं ना कहीं अपने अंधभक्तों को भटकाने के लिए हिंदू की बातें करते हैं और वास्तव में भाजपा हिंदू विरोधी काम करती है? तो कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। शंकराचार्य को एंट्री नहीं देना एक बड़ा मामला है। साथ साथ जयपुर नगर निगम के कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव ने बुधवार को पद ग्रहण किया और इस दौरान हनुमान चालीसा और श्री राम के नारे के साथ हवा महल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य के समर्थकों में आए कांग्रेस पार्टी पार्षद मनोज मुद्दुर के साथ साथ उत्तम शर्मा और ज्योति चौहान को गंगा जल और गौमूत्र से शुद्धिकरण किया गया। इस पर हेरिटेज निगम के कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव ने कहा कि अब भ्रष्टाचार दूर हो गया है, यानी गौमूत्र से भ्रष्टाचार दूर करने की बातें भारतीय जनता पार्टी का मेयर कर रहा है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने इलॉजिकल कितने अंधविश्वासी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और इसीलिए इनके समर्थकों को अंधभक्त कह दिया जाता है। ऐसा कहते ही भड़क जाते हैं कई सारे भाजपा के नेता और समर्थक। साथ साथ दोस्तों मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति का गठन हो गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी के सांसद दिग्विजय सिंह को शिक्षा मंत्रालय जबकि चरणजीत सिंह चन्नी को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी स्थायी सदस्यता की जिम्मेदारी दी गई है। गृह मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति का अध्यक्ष बीजेपी के सांसद राधा मोहन अग्रवाल जबकि कानून और कार्मिक मंत्रालय से जुड़ी समिति का अध्यक्ष ब्रजलाल को बनाया गया है। अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे को भी भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। अनुराग ठाकुर को कोयला और खनन मंत्रालय जबकि निशिकांत दुबे को महत्वपूर्ण संचार और आईटी मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। टीएमसी और डीएमके के खाते में दो दो समितियों के अध्यक्ष बनने की जिम्मेदारी मिली है। साथ साथ जनता दल यूनाइटेड और समाजवादी पार्टी के खाते में एक एक समिति का अध्यक्ष का पद गया है। साथ साथ दोस्तों एक बार फिर से बीजेपी के नेता देश को शर्मसार कर रहे हैं। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी की पार्टी के विधायक ने एक महिला का विधानसभा और अपनी सरकारी कार में रेप किया, इस तरीके के गंभीर आरोप लगे। इतना ही नहीं इस बीजेपी के विधायक ने रेप का वीडियो भी बनवाया और महिला को जान से मारने की धमकी दी। इस बीजेपी नेता का नाम मुनि रत्ना है जो भाजपा का एमएलए भी है, नरेंद्र मोदी का चहेता माना जाता है। बीजेपी विधायक मुनि रत्ना इससे पहले कई बार कांड कर चुका है। महिलाओं को उत्पीड़न करना, महिलाओं का रेप करना, दलितों का उत्पीड़न करना, लोगों को ब्लैकमेल करना, लोगों से उगाही करने का यह पूरा मामला है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक सरकार ने पकड़कर जेल में डाल दिया है लेकिन नरेंद्र मोदी और भाजपा के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दावा अपने ट्वीट के माध्यम से किया है दोस्तों। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे जय हिंद जय भारत। जैसे ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।